योग्य बनायो आहे आणि इहो आसीस कयो की असां जेकी कुझु ॿुधण वारा आहियूं उनजो पूरो पूरो लाभ प्राप्त थी सघे, जेको आहे कृष्ण प्रेम जी प्राप्ति। हथ जोड़ी अखियूं मरी करे हृदय में वेठल परमात्मा से प्रार्थना करो ऐं मुंहिंजे पोयां इन्हनि शब्दनि जो उचारण कयो।
मां हिते दरबार साहिब जा जेके ऑर्गेनाइज़र आहिनि, जेके सत्संग जेके संभालींदा आहिनि, उन्हनि जे लाइ मां कोटि कोटि धन्यवाद थी चवां की उन्हनि मूंखे एतिरो सुंदर अवसर ॾिनो। ऐं तव्हां सभिनि आयल महिमाननि जो मां हृदय सां स्वागत थी कयां की तव्हां हिते भॻवान जी कथा श्रवण करण लाइ आया आहियो। शास्त्र में लिखियलु आहे की जेकॾहिं भॻवान सां प्रेम करण जी इच्छा आहे, जेकॾहिं पंहिंजे जीवन खे सफल करण जी इच्छा आहे, जेकॾहिं जनम मरण जे चकर खां छुटण जी इच्छा आहे, त कुझु ॾुखियो करण जी ज़रूरत न आहे, बसि वियो ऐं भॻवान जी कथा ॿुधो। हीउ श्रवण एतिरो महत्वपूर्ण आहे की सभु जेके बि असांजूं इच्छाऊं आहिनि, सभु जेके बि असांजूं प्रॉब्लम्स आहिनि, सभु जेके संकट कष्ट आहिनि, से श्रवण करण सां ख़तमु थी वेंदा आहिनि। लेकिन जेको श्रवण ऐं सुनना ॿुधणु, हिकिड़ो न श्रवण, हिकिड़ो न ॿुधणु। सुना तो कानों के द्वारा जाता है, ॿुधंदा कीअं साईं? कनन सां। पर श्रवण कनन सां न थींदो आहे। केतिरा माण्हू हूंदा आहिनि हिते कन खणी ईंदा आहिनि पर मन खणी न ईंदा आहिनि, है न? जेकॾहिं मन किथे बीहल आहे न, त हो सघंदा आहे मैकेनिकली असां पंहिंजे कननि सां ॿुधी वठूं, पर हुनखे श्रवण न कनि चवंदा आहिनि। श्रवण माना हृदय सां ॿुधणु, ऐं हृदय सां ॿुधी करे उनखे पंहिंजे मन में वीचार करणु, उनखे चवंदो आहे मनन। हिकिड़ो हूंदो आहे श्रवण, पहिरीं हृदय सां उनखे ॿुधूं जेको असां ॿुधी रहिया आहियूं। छाकाणि त जेको हिते ॿुधण लाइ आयो आहे सो कोई साधारण थी नथो सघे। तव्हांखे ख़बर, असां पंहिंजे घर में कंहिं साधारण व्यक्तिअ खे अचणु ॾींदा आहियूं जंहिंखे असां कृपा न करणु चाहियूं, प्रेम नथा कयूं, सुञाणो नथा, कंहिंखे दर खोलींदासीं न? उहे त प्रभुअ जो दर आहे। उते बि सिर्फ़ु उहे ई अची सघंदा आहिनि जंहिंसां भॻवान प्रेम कंदो आहे। यहां वो नहीं आते जो आना चाहते हैं, यहां वो नहीं आते जो आना चाहते हैं, यहां तो वो आते हैं जिन्हें प्रभु बुलाना चाहते हैं। तो तमाम सब चॉइस्ड आयो, मतलब सिलेक्टेड पर्सन आयो, जेके इते आया आयो, तंहिं करे भॻवानु तव्हांखे चॉइस कयो आहे पंहिंजी कथा ॿुधाइण लाइ। असांखे केवल कननि सां ॿुधी करे कथा खे हिते छॾी भंडारो खाई वञिणो न आहे। इन कथा खे जेको भॻवानु असांखे आदेश ॾियण वारो आहे, पंहिंजो संदेश ॾियण वारो आहे, उन्हनि खे हृदय सां ॿुधणो आहे, मन सां उन ते मनन करणो आहे की छा वाक़ई मां मनुष्य जो जीवन इन करे वरितो आहे त पोइ मूंखे छा करिणो आहे, उनजे बाद पंहिंजे जीवन में उनखे अप्लाई करिणो आहे, प्रैक्टिकल करिणो आहे। जेकॾहिं श्रवण जे बाद मन ऐं मनन जे बाद निध्यासन न आहे त पोइ असांजो अचणु बि अजायो आहे ऐं ॿुधण बि श्रवण न आहे। तंहिं करे तव्हां सभिनि सां मां हिकु ॿियो वरी निमाणी वेनती कंदमि की केवल कन न, मन बि ॿुधणु घुरिजे, ऐं केवल मन ॿुधे ई न, बुद्धि वीचार भी करे, ऐं उन खां पोइ असां पंहिंजे पाण खे, पंहिंजी आत्मा खे इन लाइ जेको ॿुधी रहिया उनखे प्रैक्टिकल करण जे लाइ असांखे सम्झाइणो आहे। इहो असांजो कर्तव्य आहे, छाकाणि त असांखे भॻवानु मनुष्य जो जनमु ॾिनो आहे न, त उन मनुष्य जा घणा ई कर्तव्य हूंदा आहिनि। त अॼु असां जेके हिते एकत्र थिया जीव जे अचण जो, मनुष्य जे जीवन में अचण जो सक्सेस छा आहे ख़बर अथव? मनुष्य जे जीवन जी सक्सेस छा आहे? अगरि जेकॾहिं मां कंहिं ॿार खां पुछां भई आपको क्या बनना है, त उहो चवंदो भई मूंखे डॉक्टर बणिजणो आहे, केरु चवंदो मूंखे इंजीनियर बणिजणो आहे, केरु चवंदो मूंखे फॉरेन कंट्री में वञी करे को वॾो साइंटिस्ट बणिजणो आहे, कंहिंखे छा बणिजणो आहे। लेकिन छा इहा ई मनुष्य जीवन जी सक्सेस आहे? अॼु असां हितां सिखंदासीं की मनुष्य जीवन जी सक्सेस छा आहे।
मनुष्य जीवन में सबसे शास्त्र बुझा है तो कि जेकदाई ताँ के मनुष्य जो जीवन मिलियो आए तो उन्हें जी सक्सेस या है कि बेहर ताँ के वरी संसार में ना जो एक बेरो आया हूँ मनुष्य जो जीवन हाने ताँ के गारंटी आए जेकदाई ना किताब दे हलना ना लेकिन श्रीमद् भगवत गीता से वो आए उते भगवान से वो आए यद गत्वा नानि वर्तन्ते तद्धाम परम ताके उन जाय ते अचणो आहे जिते अचण खां पोए यद दत्वा न निवर्तन्ते वरी इन दुखन दो जनन संभर यद आरसी दुनिया में ताके मोटणो न पए ओ आहे मनुष्य जीवन दी सक्सेस जी हां और असा जत न इन जेकने असा के क्लास में पढदा हूं असा न बार के क्लास में पढंदा आई इकडो साल थी मने उन जी एग्जामिनेशन भी थी मने आई उन जे बार वही जने बिहार बियो साल स्टार्ट थी बने आई ऐसा मिसू असन जो बाहर उते ही उन क्लास में ही बैठो है क्या अगर वो 5 में पढ़े तो तब बे साल में यदि 5 क्लास में ही आए उन जा बुक्स भी हुए या इन टीचर्स भी हुए या इन पढ़ाई को वो करे वो बी क्लास में ना वही है ना जो मतलब चाहे माना वो फेल थी वही है आई ताम की खबर आए जेकदरी असा इन मनुष्य जीवन में आया हूं असा परमोक थी करे मथे न वया हूं इट मींस असा फेल थी वया हूं आई एम बर्ड अप ऑफ फेल हो सकता है फेल जे मतलब असा इन क्लास में रहो कोई बार बार फेल थी तो है एकड़े एकड़े साल उन क्लास में टीचर रख दी वरी बे साल में फेल थी तो उन क्लास में रख दी टे साल फेल थी तो चलो इन क्लास जे भी लाइक ना हाने रखे 5 में से 4 में भेजो 4 में पास नहीं किया 3rd में भेजो क्योंकि वो योग्य नहीं है उन्हें ये तरह सा मनुष्य बनाया भगवान बहुत दफा बजे के नहीं वरी अज्ञान वया सी भगवान जनो आने तो नखे हरि हरि एट अन्यम ते करे असन के डाडो सावधानी सं पंजे न मनुष्य जीवन के गुजारो मन त श्रीमद् भागवतम अलसन के भागवत जी विषय में कुछ सुंदर जेके शायद असां नवी बि पढ़ियूं हूंदियूं नवी ॿुधियूं आहिनि उन्हनि विषयनि ते डिस्कस कंदासीं श्रीमद् भागवतम में 10 टॉपिक आहिनि जीअं श्रीमद् भगवत गीता में घणा आहिनि अध्याय अरिड़हं आहिनि मतलबु टॉपिक घणा आहिनि 5 टॉपिक आहिनि श्रीमद् भागवत में श्रीमद् भगवत गीता में 5 टॉपिक आहिनि असां हिते न कयो आहे न हीअ गीता मां गीता जा 5 टॉपिक हूंदा आहिनि हिकिड़ो हूंदो आहे आत्मा ॿियो हूंदो आहे परमात्मा टियों हूंदो आहे प्रकृति चोथो काल ऐं पंजो कर्म इहे 5 टॉपिकनि ते 18 अध्याय में भॻवान डिस्कस कई आहे कीअं आहे आत्मा परमात्मा प्रकृति काल ऐं कर्म ऐं श्रीमद् भागवतम जा 10 टॉपिक आहिनि 10 टॉपिक कहिड़ा आहिनि अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानं पोषणमूर्तय मन्वन्तरिषानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय इन ॾाढो थोरो डिटेल्स आहे लेकिन मां तव्हांखे हितां निरोध मुक्ति आश्रय माना 9 जेको टॉपिक आहे उनजो नालो छा आहे मुक्ति कहिड़ो टॉपिक आहे मुक्ति ऐं असांजे जीवन जो लक्ष्य छा आहे मुक्ति मुक्ति असांजे जीवन जो लक्ष्य आहे ऐं मुक्ति 9 जो टॉपिक आहे ऐं हिन टॉपिक खे श्रीमद् भागवतम जे 11 सिकंद में डिस्कस कयो वियो आहे श्रीमद् भागवत में घणा सिकंद आहिनि 12 सिकंद आहिनि न जेको 11 सिकंद आहे उन में मुक्ति तत्व खे विषय उन जे विषय में ॿुधायो वियो आहे ऐं अॼु असां जेको हिते कार्यक्रम करे रहिया आहियूं जंहिंखे श्राद्ध या पितृ पक्ष चयो वेंदो आहे इहो बि ॾिठो वञे त मुक्तीअ जे विषय में ई आहे असांजी मुक्ति कीअं थींदी असांजे पितरनि जी मुक्ति कीअं थींदी तंहिं करे इहा ॻाल्हि बि इन ई 11 सिकंद में ॿुधाई वई आहे त इहा इहो सिकंद कीअं थो शुरू थिए काथे जी कथा आहे इहा आहे मिथिला जी कथा मिथिला जो राजा हुयो जंहिंजो नालो आहे राजा निमी छा नालो आहे राजा निमी राजा निमी हिकिड़ो वॾो यज्ञ थो कराए ऐं उन
यज्ञ जी हाथ कर उनजी जेकी मन हर जगह थे उनजी हाथ कर पहुंची वने थी सबन के खबर पई वने थी कि महाराज ने में इतरो बड़ो यज्ञ कराए रयो आ है इतरो सुंदर तरीके सा यज्ञ थी रयो आ है त कातो कातो का ऋषि मुनि सब उते अची करे एकत्र थन था कि इतरो बड़ो यज्ञ थिया तो असा भी भाग वठो उनई यज्ञ में ऋषभदेव जा नौ पुत्र जेकी नौ योगेश्वर जनाई हाँ ऋषभदेव जो भगवान जो ही अवतार है उन जा सौ पुत्र हुआ उन एकासी कर्मकांडी ब्राह्मण हुआ नौ पुत्र उन जा नौ योगेश्वर केरा हुआ कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर होत्र द्रुमल चमस करभाजना ये नौ पुत्र आहिनि ऋषि ऋषभदेव महाराज जा उहे उन यज्ञ जे दृष्टांत के ॾिसण जे लाइ यज्ञ के ॾिसण जे लाइ उन मिथिला नगरीअ में पधारा उहे आसमान तां अची रहिया हुआ ऋषि आहे नौ योगेश्वर आहिनि आसमान मां जॾहिं उहे अची रहिया हुआ तॾहिं एतिरी माना उन्हनि मां एतिरो तेज़ निकिरी रहियो हो की पूरी यज्ञशाला में तेज ई तेज प्रकाश थी वियो ऐं सभु उन्हनि नाओ निहारण लॻा कि आख़िर अहिड़ो कहिड़ो महान व्यक्ति अची रहिया आहिनि जंहिंजे करे एतिरी यज्ञशाला में प्रकाश थी वियो आहे त उहे जॾहिं अॻियां आया तॾहिं महाराज निमी उन्हनि जो स्वागत कयो उन्हनि खे आसन ॾिनो नओ योगेश्वर में आहे तंहिं करे नओ आसन लॻाया विया ऐं नओ आसन लॻाए करे उन्हनि जी सेवा पूजा करण खां पोइ न इहो ॾाढो सुहिणो टॉपिक आहे उते उन्हनि नवनि योगेश्वरनि खां महाराजा निमी जेको आहे उन्हनि नव क्वेश्चन पुछिया आहिनि हर हिकु जेको योगेश्वर आहे उन्हनि खां जेके सवाल पुछिया आहिनि न से स्पेशली असां कलयुग जे माण्हुनि लाइ ऐं इहो पहिरियों सवाल इहो पुछां की भई भॻवान जा कस्मिन युगे कहिड़े कहिड़े युग में कहिड़ा कहिड़ा अवतार थींदा आहिनि ऐं इहो स्पेशली ॿुधाए कि कलयुग में भॻवान जो कहिड़ो अवतार थींदो आहे ऐं कलयुग में भॻवान जो प्राप्तिअ जे लाइ छा करिणो आहे ऐं कलयुग में कलयुग जा माण्हू हुननि जे पास एतिरो समय न आहे असांजे पास समय किथे आहे सौ सालनि जी ज़िंदगी ते मां सठि गुणा न मिलंदा आहिनि असांखे ऐं उन मां अधु ज़िंदगी जेकॾहिं सुम्हण में निकिरी वञे त टीह गुणा वधा ऐं टीह मां ॾह साल नंढपण में त खेल कूद में गुज़रिया बाक़ी वीह साल उन में असांखे एजुकेशन प्राप्त करणी आहे उन में असांखे विवाह करिणो आहे उन में ॿार पैदा करणा उन्हनि खे संभालणो आहे एतिरो सभु कार्य एतिरो असांजे पास समय आहे किथे त उन्हनि चयो की भई तव्हां त कृपालू आहियो इहो ॿुधायो कलयुग जे माण्हुनि जी मुक्ति कीअं थींदी छा करिणो ऐं ॾाढो सुहिणो कलयुग जे माण्हुनि जी मुक्तिअ जे विषय में उहे ॿुधाइनि था ऐं चवनि था कृष्ण वरणम त्विषा कृष्णम सागोपांगस्त प्राशदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ति सुमेधस यारो सिंधस पंजो अध्याय श्लोक नंबर 25 उन में ॿुधायो वियो आहे कलयुग जा जेके बुद्धिमान माण्हू आहिनि उहे कीअं कृष्ण जी भक्ति कंदा कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम सागो पंगस्त पार्षदम भॻवान जॾहिं पाण भक्त जो स्वरूप धारण करे चैतन्य महाप्रभु जे रूप में सेखारींदो आहे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 यज्ञ संकीर्तन प्राय उन ई संकीर्तन यज्ञ खे उच्चारण कंदा यजंती ही सुमेधसा लेकिन कवि उहे ऋषि ॿुधाइनि था यजंती ही सुमेधसा मेद चवंदा आहिनि बुद्धिमान खे ऐं सुमेधसा माना सुपरलेटिव डिग्री सभिनि बुद्धिमाननि में जेके ज़्यादा बुद्धिमान हूंदा न बसि उहे इहो कमु करे सघंदा ऐं ॿिया सभु चवंदा चरिया आहिनि सॼो ॾींहुं हरे कृष्ण इन सां का मुक्ति थींदी छा माना इहो मुंहिंजो कोई कमेंट न आहे शास्त्र में लिखियलु आहे यजंती ही सुमेधस आहे जेके ज़्यादा बुद्धिमान माण्हू आहिनि से छा कंदा कृष्ण कृष्ण
अनेक जन्म जन्मांतरण खां पोए जेको ज्ञानी हुंदो आहे सो अची करे मुंहिंजी शरण में ईंदो आहे ऐं उहो को साधारण न हूंदो आहे हज़ारनि मां हिकिड़ो हूंदो आहे सते अध्याय जे टे श्लोक में भॻवान चयो मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतामपि सिद्धानां कश्चित् माम् इति तत्त्वतः हज़ारनि मां को हिकु सोचंदो आहे मूंखे अॻियां वधणो आहे मूंखे जानवरनि जी ज़िंदगी खाइणु पीअणु सुम्हणु नाहे करो कुझु धर्म ते हलणो आहे हज़ारनि मां को हिकिड़ो सोचंदो आहे ऐं उन्हनि मां बि को हिकिड़ो हूंदो आहे जेको कश्चित् माम् इति तत्त्वतः जेको भॻवान श्री कृष्ण जी भक्ति कंदो आहे त इहे घणा ई क्वेश्चन पुछूं महाराज निमीअ उन्हनि नवनि योगेश्वरनि खां ऐं अंतिम क्वेश्चन अंतिम सुवाल अंतिम ऋषि जंहिंजो नालो हुयो करभाजन जेको सभिनि खां नंढो हुयो उन खां पुछाई कि मनुष्य जी मुक्तिअ जो मार्ग छा आहे छाकाणि त असांजी सक्सेस जीअं मां तव्हांखे पिणु ॿुधायो मनुष्य जीवन जी सक्सेस मोक्ष प्राप्ति ऐं मोक्ष प्राप्ति कीअं थींदी मुक्तिअ जो मार्ग छा आहे ऐं मुक्तिअ जे मार्ग में बाधाऊं छा आहिनि सम्झ में अचे थो न सही सही जेको मां ॿुधायां थी अगरि कंहिंखे कुझु सम्झ में न अचे हैंड रेस करे पुछी सघो था ठीकु आहे त मुक्तिअ जो मार्ग छा आहे उनजो उत्तर ॿुधायूं था ऐं उनजी मुक्तिअ जो मनुष्य जी मुक्तिअ जे मार्ग जो उत्तर ॿुधाईंदे उहे चवनि था कि जॾहिं ताईं मनुष्य हिन संसार में कंहिं बि जीव जो ऋणी आहे ऋणीअ खे सिंधीअ में छा चवंदा आहियूं कर्ज़ी जेकॾहिं कंहिंजो कर्ज़ी आहे तेसि ताईं उनखे मुक्ति नथी मिली सघे हाणे सोचे वठो ईअं न सोचजो खाई वियासीं बसि हाणे छा ख़बर पवे उन्हनि खे मोक्ष न मिलंदो तेसि ताईं तव्हां ख़बर आहे हिकिड़ो राजा छा हिकिड़ो कोई कवि गुज़री चुको आहे चारवाक कवि उहो ख़बर अथव कहिड़ी आहे न शिक्षा ॾींदो सभु सभिनि खे चवंदो जावत जीवत सुखम जीवत ऋण कृत्वा धृतम पीवत जेसि ताईं जीओ सुख सां जीओ भली कर्ज़ बि तव्हांखे वठिणो पवे लेकिन अयाशी कयो त केरु चवंदो भई अयाशी कंदासीं मरणो न आहे छा मरणो त छा भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागरम कुतस्य च मरी वेंदासीं पोइ थोरी असर मृत्यु शरीर सां नाश कंदो ई कोई अचंदो वरी किथे जनमण कंहिंखे ख़बर तंहिं करे भली कर्ज़ो बि वठिणो पवे पोइ बि जावत जीवत सुखम जब तक जीओ मौज करो मज़ा करो लेकिन युधिष्ठिर महाराज खां जॾहिं यक्ष सौ प्रश्न पुछा विया हाणे ख़बर आहे महावर जो हिकिड़ो दृष्टांत आहे उन्हनि मां हिकिड़ो ॾाढो सुहिणो प्रश्न आहे कि ॾुखी केरु आहे संसार में ॾुखी केरु आहे त उनजा छह उदाहरण ॾिना अथऊं लेकिन उन्हनि मां हिकिड़ो इहो हो कि जेको कर्ज़ी आहे न सो ॾुखी आहे कर्ज़ी माण्हू कॾहिं बि सुखी नथो थी सघे भले उहो पंहिंजे लाइ महल पंहिंजे लाइ बणाए वठे घणियूं ई उनजे पास गाॾियूं हुजनि जो बि हुजे लेकिन अंदरि को हिकिड़ी कलश हूंदी आहे हिकिड़ो टीस हूंदी आहे कि मां कर्ज़ो वरितो आहे मुंहिंजो तंहिं करे जेसि ताईं असां कंहिंजा कर्ज़दार आहियूं तेसि ताईं असांजी मुक्ति नथी थी सघे मरी बि वेंदासीं न असां भले केतिरो बि पुञ कयूं असांखे उहो कर्ज़ चुकाइणो आहे अचणो आहे भले केॾी बि भक्ति बि करो न कर्ज़ असांखे चुकाइणो आहे त असां त कोई चवंदासीं भई हमने त किसी से कर्ज़ न लिया असां त सुख सां मरंदासीं मुक्त बि थींदासीं हाणे मां तव्हांखे ॿुधायां थी कि शास्त्र चवे थो कि असां कंहिंजा कंहिंजा कर्ज़ी आहियूं ठीकु आहे शास्त्र चवे थो देवर्षि भूतात निर्णा पितृणा इन्हनि पंजनि शयुनि पंजनि जीवनि जा असीं कर्ज़ी आहियूं देव ऋषि भूत नर पित्र देव माना देवताउनि जा देवता जेके असांजे सहूलियत जे लाइ सभई असांखे फैसिलिटीज़ ॾींदा आहिनि इंद्र देवता वर्षा कंदो आहे सूर्य देवता प्रकाश ॾींदो आहे कॾहिं बिल ॾिनो अथव कॾहिं सोचियो अथव कि
कि भाई सूर्य का इतना प्रकाश हम ले रहे हैं, इतने कपड़े उसमें सुखा रहे हैं, इतना ना उससे हमको प्रकाश मिल रहा है, उन्हें जो मिलनो करे हंसी आई वो सा अगर एकड़ो महीनो मिलना जो तो केसी वाला जी करे बिजली ने कटे भी ना ताने ओ तो कदे न तो हिसाब किताब करे देव मन देवताओं जो वरुण देवता जल लीला है आई पवन देवता हवा लीला है घणा ही देवी देवता तो असन के शरीर ते वेही करे असन की सेवा करना है हर अंग ते एकड़ो देव आए देवताओं जरणी आए बियो भूत भूत मन जकी प्राणी आए बिया भूत मन जिन घोस्ट ने जेके प्राणी आए अलग अलग जिया सपोज असा गौ मा जरणी आए जेके असन के खीर प्यारी दिया है असन ढगे जरणी आए जेके खेत में हल चलाई जाए उने तरह सा शास्त्र ते ये तो जे तसा उने पंछियन जा मिलन आयो रेणी आयो हाने त ये घट थी लो है लेकिन पेणी आउंदो है सुबह सुबह मुर्गो उठी करे असा भी जो हो मुर्गो कुकड़ो को कंदो ता सा जागना सी आई अखियों खोली ना सी त पंछी ये लिखे आई से सुंदर सुंदर अना बोलियन सा बोली ना तो ओए असा के देखो उन सा देखो आनंद इंदो उन जा भी असा ने त अलग अलग भूतन जो माइनन की डिटेल पे ना जो ना मुख्य सेकंड लास्ट दे वजह है निर्णा निर्णा मन मनुष्य जरेणी है ना नीर जगी आहे असन समाज में दिसु तो सजो समाज जी को आहे वो बण जी करे एकरो मनुष्य बन जो आहे है ना सजे सन अगर आप लोग सोचो कि असन के समाज न मिले आई असन के सब कुछ पिन जो पान करो है ना हर शय सुबह जो खाली हो तो टूथपेस्ट असन के मिलिया वो टूथपेस्ट असन के पान बनाने पे टूथब्रश पान बनाने पे साबुन पान बनाने पे स्नान पान करो पे अट्टो जो आए वो पान वो उगा के उसको पीस के फिर उसमें से रोटी माना हर चीज अगर एक व्यक्ति हर चीज उन्हें के पान करनी पवे कि जो भी उन्हें के समारो न मिले तो उन्हें जला जीवन के रोड छोड़ है ना तो समाज जा रहे नहीं आयो आई चौथे नंबर पे आई पितरणा के जा असा पहिजे पितरन जा रणी आयो आई पितरन जो मतलब चाहे पितरन जो मतलब आहे असन जा अबादा जेकी असा जा अबा दादा अज असा हन शरीर में आयो आई लेकिन ओहे नाहे उन असा जे लाई केतरो त्याग कयो आ स्पेशली जे असा जा माता पिता आहे उन असा जे लाई केतरो त्याग कयो आहे सो असा सोचे भी न था सके माता पिता जे के आहे उन असा जे लाई केतरी मेहनत कई आहे असा के एकड़ो सुंदर जीवन देण जे लाई उन पंहिंजे सॼी जवानीअ खे सजे जीवन के त्याग कयो आ जमा त भई कुछ माताओं इते बैठो आ कुछ पिता बैठा है तवा दिसो जे निय का बार गर्भ में इंदो आहे ना माता पिता ये बुलजी भी ना है कि असन पहिजो भी कुछ ख्वाहिश आता है बस किया असा इन नई आत्मा जे कि असा ने शरीर में असा ने जीवन में अच्छी रही है उन के किया एकड़ी सुंदर लाइफ दे सको जड़ा नंढड़ो बार पेट में होंदो है उनने एकड़ो एकड़ो नी करे मां कटंदी आहे एकड़े एकड़े दिया में मां किया पंजे बार जी सुठी परवरिश कंदस मां किया उनके सुठो जीवन दे सकंद पिता जी हर वक्त सोचिंदो आहे कि आई जने वो नंढड़ो बार पैदा थिंदो आहे ना जने वो रोइंदो आहे ना उन जे लाए वे माता पिता सही रात जागंदा आहे आई प्रैक्टिकल आई सबन जो सही रात जागंदा आहे उन जे रोण के बस यु खाली थोड़ो मुस्कुराए इन जे होटल ते कुछ हंसी अचे उन जे लाए वो पाजी निंड भूल जी वेंदा आई पाजी तकलीफ वो पेनो बिस्तर गीलो कंदा मां छा कदी गीली जाए ते सुमन या उन के सुखी जाए ते उन के थदन लकण मुज उन के थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम थी दी आए तो माता पिता परेशान थी वेंदा किया असा उन के सुठी एजुकेशन यो वो जेको कमाई करे पिता इंदो आए ना उन मा पाण सुख न वडदो आए मां सुठा लटा पाया मां सुठो देसा मां पेंजे लाई कुछ में उने के विसरी भी तो है कि मां भी मनुष्य है मुझे भी कुछ ख्वाहिश हो बस मुझे बार उने के मां सुठा सुठा ड्रेसेस वठी दिया बारन बेन बारन हो सुठो लगन घुरजे उने जी सुठी लाइफ गुजरन घुरजे उने के मां की एरो जीवन या सुठी स्कूल में उने के एजुकेशन भले ना भी कर सके किया भी करे पैसा जमा करे पहिजो पेट कटे में उने के एजुकेशन दींदा ताकि समाज में उन जो देखो है ना
मान वधे उन जी इज्जत वधे ओ सुठी अन जीवन के प्राप्त करे आई कंदे कंदे ओ हर सुठी सुठी शयो जे के आई से उन के मतलब उद्धार की तो जरूरत ही ना तहां सभी के ज्यादा एक्सपीरियंस आए उन शय जो आई तहां सोचे सको था अच्छा सा माता पिता जे ऋण का कने छुटकारो प्राप्त करे सको था असा उन के छा दे करे ओ माता जे की सजा ब महीना सके पहेजी खून के पहेजी खीर जे स्वरूप में प्यारी दिया छा उन जो कने बदलो असा चुकाए सको था कुछ भी ना है असा के पास एरो जे को असा दे करे पहेजी माता पिता जे इन कर्जन के चुकाए सको आई नी यार मां जे की ता के बुधाया के बारन के पालन जे लाए माता पिता एदा व्यस्त थी वेंदा है एदा बिजी थी वेंदा है कि उनन के इयो विसरी वेंदो आए कि अस मनुष्य बनाए अस के पंजे मुक्ति जो साधन करनो आए भगवान जो नाम सुनन करनो आए बारन के पालन लाए वो पंजे जीवन जे उद्देश्य के भी भूल जी वेंदा है उनन के याद न रहंदो है कि अस पंजो जीवन तो सुधायो इनन बारन के चक्कर में असन जीवन खत्म थी वयो है अक्सर ऐसा माताओं के सुना कि भाई सुबह जो उठी करे या नाम जप करना कयो या सत्संग में बारन जी पो यानी निकली दो तो है और टाइम न मिले थी दो नहीं है ना आई पिताजी के जाना तो वही चलना है भाई ऐसा के इतरो सारा धन कमाणो हो आए घर में इतरा बाती आए आई महंगाई जो जमानो है जेकर ऐसा सत्संग ते वे रहना से कमाई दो के है ना तो वो जो को ऐसा जे ने उनन जी को त्याग कयो है ना उन जो ऐसा कर्जो चुकाई न था सके सको ते करे शास्त्र निकलो हाने जदे उनन जी मृत्यु थी वेंदी है या असा के पाली दे बच्चा जिस दिन गर्भ में आता है उस दिन से लेकर जिस दिन माता की या माता पिता की मृत्यु होती है उस दिन तक वो केवल यही सोचता है कि मैं ऐसे अपने बच्चे को सुखी जीवन दूं मरण आई भले जवान भी थी वरना आज समझा थी वरना शादी भी थी वरना कोई भी माता पिता के थे बेचारा को रोटी खा दी थी उनके फिक्र होती है के अना अना तई उनके मां ना रोटी न देनी आया अना तई ना आयो ये घूमन दिया माता माने ना अम्मी सुबह सुबह जो उठ दिया 5 मिनट सो 12 जो अगर 2 लगे टाइम होता है स्कूल में अचण जो सवा बथिया ना उन जी सा निकल दिया छू न जोते छू न पोते उनके फोन कर दिया उनके फोन कर अजा तई इन जो कोई कर्ज चुकाने जुड़ो ना है ते करे उन माता पिता के जदई मृत्यु थी वेंदी आहे उनन जे लाइ शास्त्रन में कुछ अहिड़ा रूल्स रखिया वया आहिनि कि उनन त पंहिंजी मुक्तिअ जे लाइ कोई समय न कढियो असांजी परवरिश जे कारण तंहिं करे असांखे कुझु अहिड़ो करणो आहे कि भॻवानु उन खे मोक्ष प्रदान करे कि असां उन्हनि जे लाइ छा था करे सघूं त हाणे तव्हांखे लॻंदो कि भई ईअं कीअं थींदो आहे के माण्हू सोचींदा आहिनि कि भई पितृपक्ष में श्राद्ध खारण सां कोई मुक्ति थींदो आहे यादि रखो हिकिड़ी ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधायां माउ बाप के साथ आपका सुलूक वो कहानी है जिसे आप लिखते हो और आपकी संतान आपको पढ़ के सुनाती है तव्हां जहिड़ो सुलूक पंहिंजे माता पिता सां कंदा माता पिता बणजण खां पहिरीं इहो यादि रखो असां सभु संतान बि आहियूं है ना असा अज पेंजे हक जी त अना डिमांड करना भई असा माता पिता हूं असा जो सम्मान थन गुरजे है ना लेकिन इयो के नहीं सोचो था कि असा संतान भी आई हूं असा पेंजे माता पिता जे साथ केनो सलूक करे रहे हैं तो माता असा ई प्रैक्टिकल है जैसा करोगे वैसा आज तमाम पेंजे माता पिता जे साथ जड़ो सलूक करे रहा हो डेफिनेटली सुभाने तां जो बालक तां जो सारे हो तंहिं करे जेकॾहिं प्रेम चाहियो था त पंहिंजे माता पिता खे प्रेम ॾियो जेकॾहिं सम्मान चाहियो था त पंहिंजे माता पिता खे सम्मान ॾियो छाकाणि त सुभाणे तव्हांजो पुटु उहो ई करण वारो आहे जेको असां कयूं था न सुभाणे असांखे ॾिसणो आहे अगरि अॼु असां कंहिंजी नियाणे जे साथ ग़लति कंदासीं कुझु बि ग़लति कंदासीं सुभाणे असांजी नियाणी बि थींदी कुझु बि ग़लति करण खां पहिरीं सिर्फ़ु हिकिड़े दफ़ा सोचींदा आहियूं की असांजे साथ बि सुभाणे इहो थियण वारो आहे तंहिं करे अगरि असां और कोई कर्म जो लेखो एडो त एक्यूरेट हुंदो आहे कि कोई भी बची नथो सघे कोई और सिर्फ लरस जाओगे आप
जब हम ये सोचेंगे कि जैसा मैं उसके साथ कर रहा हूँ वैसा मेरे साथ होने वाला, वो तो करे अपराध करे सोचे कारण तो दूर जी गाले मानो सोचे ही ना तो सके आई कर्म जो सिद्धांत है तो पक्को आए के मिला तो वो ही जी को ऐसा करना सी भले ही कुछ भी थी बने असा केनी भी हेरा फेरी कयो केनी भी चालाकी कयो केनो भी धोखो दड़ी कयो लेकिन मिला तो ओतरो ही जेतरो असा जे भाग्य जो आए ये ना कि असा कहीं लगो तो भाई हो तो घणो है ना हेरा फेरी करे ना उन कुछ करे आयो है आज मिलो तो आज हेरा फेरी सुबह ने उन जो हिसाब किताब उन के करो का ये ना सोचो कि हाँ बची वे उन धन मिली वो उन धन में भी सुख न मिल जो पुण्य न कयान शास्त्र में घड़ो ही घटनाओं हाँ जी तक बुधाया ये अलग अलग से असा ऋण हों पितर जो ऋण अस कटिंदा जैसे पितर के निमित्त श्राद्ध कहूँ इतिहास पढ़ी बुधाया के छा वाकई में श्राद्ध असान शास्त्र में लिखल है घणन मानन के इन गाल खास स्पेशली जी न्यू जनरेशन यंग आए वे सोचिंदा कि श्राद्ध शायद असान धर्म में लिखल विखल है बस ये बुढ़ा मानू आए इन शौक हों पूरी पकौड़ा बनाए कर ब्राह्मण के खाराइंदा इन सब कुछ ना लेकिन ऐसा नहीं है यो असान शास्त्र में लिखल है सब का पैणी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जय श्री राम जदई श्री राम जी पिता दशरथ महाराज जो ध्यान थो तदई उ वन में हुआ आई वनन में कुछ ऋषियन महाराज श्री राम के बुधायो महाराज दशरथ जो ध्यान थी वो है हाँ तवा के उन श्राद्ध करो है पिंडदान करो है त महाराज दशरथ जे पिंडदान साक्षात भगवान हुयो त्रिलोकी जो नाथ हुयो उनके ये चवण घुर्जे भाई माँ साक्षात भगवान उन जो पुत्र आया उन मुक्ति में को संदेह आए सका माँ वेठो आया उन जो श्राप करण की केड़ी जरूरत है न महाराजा दशरथ जे मुक्ति जे लाए श्री राम भगवान पान श्राद्ध करवा है शास्त्र में रामायण में लिखे आई खबर तो छा थो जदे भगवान श्राद्ध कर रो हो श्राद्ध में छा थो पितरन के लिए भोजन बनाया वो है उन्होंने आवाहन किया ब्राह्मण के घुराए कर भोजन खाए तो छो ब्राह्मण भी आया भेड़ा आई मंत्र उच्चारण क्या सीता मैया घो ही सुंदर सुंदर प्रसाद प्रसाद बनाया आई महाराज दशरथ के निमित जैसे वो श्राद्ध कर रहा हुआ उन्होंने जैसे आवाहन क्या उनके सजाऊ कि अच्छी भोजन खाओ तरी थो उन टाइम से कोई हथ निकत जैसे उन्होंने तुम अच्छी भोजन खाओ तो एक हथ निकत तदी महाराज दशरथ जो हथ ऐसी श्री राम ढो खुश थे कि हाँ मुझे पिताजी साक्षात पा आयो है श्राद्ध वठण लाए भोजन वठण लाए तो उनके हथ में रखा है ना सामू पिताजी जो हथ आए तो उनके हथ में रखा तद इतने उत ब्राह्मण वेठा हुआ खबर तो हथ में न रखो जो शास्त्र में लिखल है वो तो करण है श्री राम जो शास्त्र में लिखल है जो शास्त्र में लिखल है जैसे ही तुम श्राद्ध करो तो ब्राह्मण के खाराओ जी शुद्ध ब्राह्मण है उनके खाराओ तेरे पिताजी लाइ श्राद्ध कहना उन हथ थोड़े निकल तो वो जो तुम कहना वो ही असन के लिए सिख होंगी है ना वो तो असरे तक ब्राह्मण के खारण जो शास्त्र है उनते असके हलणो है श्रीमद भगवद गीता के 16 अध्याय के 23 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चवन था यह शास्त्र विधि मोत्सृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धि अवापनोति न सुखम न परम गति जी शास्त्र के विधि विधान के नथा मनन आई मन माने ढंग से कार्य कर था उन न सिद्धि मिलती न सुख मिल न परम गति जैसे असा के सिद्धि परफेक्शन घुर्जे सुख घुर्जे भगवत धाम घुर्जे तो असा के करो है जो लिखो है इन शास्त्र में श्रीमद भगवत गीता में जो लिखो है उनके असा के फॉलो करो श्रीमद भगवत गीता असा कलयुग जो सभी वेदन शास्त्र जो निचोड़ है भगवान दई छो कुछ भी इतने उतने बोलने की जरूरत ना है इन श्रीमद भगवत गीता के पढ़ने का कुछ भी पढ़ने की जरूरत ना है मां नहीं चवा
शास्त्र वेद व्यास जी लिखा है और वेद व्यास जी गीता लिखण का कोई चवन था गीता सुगीता कर्तव्यम कि मन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिस्रता गीता पढ़ी वरतई भी हाने गीता पढ़ने की जरूरत ना है छाकाण का व्यास शास्त्र के संत लिख्या के देव लिख्या के गुरु लिख्या हे तो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा जी मुख जी वाणी आए इनके पढ़ने का कोई कुछ पढ़ने का आई उन टाइम ते श्री राम जी को है उन पंजे पिताजी ने श्राप करो वही अछू लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी द्वापर युग में छात्यो महाभारत थियो महाभारत में सभी जितना भी कौरव हुआ उन सभी जो विनाश थी आई विनाश थियण का पोए जदे महाभारत युद्ध थी वयो तदे युधिष्ठिर महाराज के भगवान श्री कृष्ण चयो इन सभी जो उद्धार जेस ताई न थी तो जेस ताई उन लाइ श्राद में भगवान श्री कृष्ण साक्षात बीठो है असने कदे कदे लगंदो है बस भगवान के अस अरदास करे जियो श्राद करण जी की जरूरत है लेकिन साक्षात भगवान बीठो है आई छाकण त कौरव औ पांडव हिकड़े कुल जा है ना भाई भायर होया ना त भाई भायर होया ते करे जेके भी पुरखा होया हाने कौरवन के खानदान जो तो को बतो ना पांडव के पंचे पांडव है ते करे युधिष्ठिर महाराज के दत्तू से कृष्ण गंगाया भगवत भागवत में लिखे लाने कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के गंगा जे तट ते वठी वयो आई चयाई उदक इच्छता तुंजा जे के पितृ मरी वया न से तोखा श्राद्ध आई पिंड दान आई जल तर्पण जी इच्छा करे रहा असन जे के पितृ हुंदा मां ता के कोई मानगढ़ दी स्टोरी न थी बता मां इन करे ता के रेफरेंस दे रहा ताकि ता के खबर होए के पेड़ी जे के असन भगवान अब आया भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में चवन था कि मुझे लाइ कोई भी कर्म कर्तव्य ना है कोई भी मां पहि जो कर्तव्य पूरो करदो है ना छाकाण त जे के असन कंदा सी से व्यार नंडा जी के दिसना आई होई करना असन के आचरण करनो आहे भगवान से तो कि मुझे लाइ कोई कर्तव्य कोने लेकिन व्यान के सिखारण जे लाइ मां करदो है तेह करे भगवान युधिष्ठिर महाराज के वठी वने तो गंगा जे तट ते ए चे तो पंजे पितरन जे लाए शाद करे उन टाइम अखे एकड़ी बीर घटना थे थी आने मुखे याद आए तो मां तारे बुधाए चलिया चले सबनी भायरन जे लाए युधिष्ठिर महाराज शाद कयो तदे गंगा जे तट ते घुटने ताई पानी हो आई जल अर्पण करे रहे हो जल अर्पण करे रहे हो तो उन टाइम ते कुंती महारानी आहिस्ता आहिस्ता आई अग्या आई कन में युधिष्ठिर महाराज की सही युधिष्ठिर तू पंजे सभी भैर लाए त्रिपण करे रहे आए त करण जे लाए भी कर करण जो नालो बुधी करे युधिष्ठिर महाराज जो करण जो श्राद मां छा कया जेकी श्राद जेकी कुल जा हुंदा उन जो कयो हुंदो भैर भैरन जो पितरन जो कयो हुंदा करण जो वने छा मो सूत पुत्र आहे उन मो जो छा वने कुंती महारानी जो सही जिंदगी मायने के न बुधायो कि वो करण ने जो भाव हो लेकिन अज जे कने न बुधायो तो न जी मुक्ति न थी ते करे उन टाइम ते कुंती महारानी सही जिंदगी जे अंदर जे को पंज हृदय जे अंदर एकड़ो भेद छुपाए करे रखे उन टाइम ते युधिष्ठिर महाराज के चई कि वो तुम जो भाव हो वो पांडव हो वो मुझे पुत्र हो आई उन टाइम ते युधिष्ठिर महाराज का करण के लाए भी श्राद्ध करी तो ये घणियो ही मिसाल आहे जेके असा के खबर आए असा के शास्त्र में लिखे ला चैतन्य महाप्रभु जे को है सो बेन पिताजी ने चैतन्य महाप्रभु कलयुग कलि पावन अवतार राधा कृष्ण जो मिलित स्वरूप आहे वो भी पंजे पिताजी जे लाए श्राद्ध करदो है छाकाण त के पिता जे को हुंदो आहे जे मां तां के बुधायो उन जा जेके सैक्रिफाइस आहे उन जे जेके असां जे लाइ त्याग आहे ओ उन के छुकाइण जो हिकड़ो तरीको शास्त्र में बुधायो वयो आहे के आ उन जे मरण जे बाद उन जे तिथि ते उन जे लाइ श्राद कयो ते करे इन ही जे तरीके सां असां के मुक्ति प्राप्त थींदी याद रखो पिता चाहे केरो भी हुजे असां सब पिता आहियूं मतलब केतिरा पिता ऐं माता आहिनि उन्हनि सां बि माता पिता हूंदा पिता कहिड़ो बि हुजे
हुजे, माता कहिड़ी बि हुजे, संतान जो कर्तव्य आहे त उन जो आदर करे, उन जो उन सां प्रेम करे, चाहे कहिड़ो बि हुजे। तव्हां ऐं जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे माता पिता खे ख़ुशि करे वरितो त सम्झो तव्हांजो भॻवानु तव्हां सां ख़ुशि आहे। जेकॾहिं माता पिता ख़ुशि न थिया त भॻवान जी भक्ति करे बि उनखे ख़ुशि न थिया। त हिकिड़ी दफ़ा मां तव्हांखे ॿुधायां भॻवानु कीअं ख़ुशि थींदो आहे। तव्हां हिकिड़ी सुंदर एग्ज़ाम्पल आहे। तव्हां मां केरु पंडरपुर वियो आहे? पंडरपुर में हरे कृष्ण वेहो प्रभु, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। पंडरपुर में पंडरीनाथ आहिनि। पंडरीनाथ कीअं प्रकट थिया आहिनि मां तव्हांखे ॿुधायां। हिकिड़ो भक्त हुयो, कंहिंजो पंहिंजे माता पिता जो, उनजो नालो हुयो पुंडलिक। ऐं पुंडलिक जेको हुयो सो पंहिंजे माता पिता जी एतिरी सेवा कंदो हुओ, सॼी माना पूरो ॾींहुं सेवा करे राति जो उन्हनि जूं टंगियूं दॿाईंदो हुयो, उन्हनि खे बीणा ॾींदो हुयो ऐं पोइ उनखां पोइ सुम्हंदो हुयो। त एॾी सेवा जॾहिं उहो कंदो हुयो, जॾहिं एतिरी सेवा भॻवान खे लॻो की भॻवान जो एतिरी सेवा पंहिंजे माता पिता जी करे थो पियो, मां बि वञी उनजो दर्शन कयां। भॻवान वैकुंठ मां आयो आहे उनजो दर्शन करण लाइ। कंहिंजो कंहिंजो कुंडली ॿुधो न, जेकॾहिं निंड लॻी त हिते ख़तमु कयां। ॿुधो न सभु हिकु दफ़ा महामंत्र ॿुधायो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे और अॼु ताईं पंडरपुर में भॻवानु लक्ष्मी नारायण
इन ही स्टाइल में बीठा बयाई उन्हें के चवंदाई विठल विठल कभी भी ऐसा नहीं हो कि हमारे माता पिता की आंखों में
हमारे कारण से आंसू आए, कम से कम एतरो त आंसू कयो कि उनन जे दुख जो कारण न बनजो। ते करे मां तुम ये सब इन करे बुधाय रहे हो कि माता पिता की सेवा करण केतरो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आई श्रीमद् भगवत गीता जे पहले अध्याय जे 40 श्लोक में श्राद्ध जे बारे में बुधाय गयो है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चवन था, अधर्मो विभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाशु वाश्रेया जायते वर्ण संकर संकरो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। हे जनार्दन, जॾहिं कुल में अधर्म ज़ोर वठंदो आहे, कुल जो स्त्रियूं अपवित्र थींदियूं आहिनि ऐं वर्ण संकर उत्पन्न थींदा आहिनि, जंहिंजे करे लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंडोदक क्रिया यानी जेको श्राद्ध आहे, उदक श्राद्ध जल तर्पण ऐं पुत्र पक्ष में जेको असां ॾींदा आहियूं ब्राह्मण खे, उहे संतान न कंदा आहिनि। तंहिं करे पदंती पितरो, असांजा जेके पित्र आहिनि से नर्क में किरी पवंदा आहिनि। भगवत गीता में लिखियल आहे ऐं भॻवान इन ॻाल्हि खे स्वीकार कयो आहे कि जेकॾहिं असां पंहिंजे पितरनि खे श्राद्ध तर्पण नथा कयूं त पोइ छा थींदो आहे, असांजा पित्र जेके आहिनि से नर्क में किरी पवंदा आहिनि। ऐं असां कॾहिं कॾहिं ईअं लॻंदो आहे, स्पेशली जेके भक्त बणिजी वेंदा आहिनि उन्हनि खे इहा ग़लति फहमी हूंदी आहे कि भई भक्त बणिजी वियो हाणे पितृ श्राद्ध वग़ैरह करण जी ज़रूरत नाहे, भॻवानु पाण ई रखंदो, भॻवान जा भॻत आहियूं, भॻवान जो नाम जप कयूं, बसि हाणे असांखे श्राद्ध इत्यादि करण जी ज़रूरत नाहे। लेकिन शास्त्र में जेके मां तव्हांखे एग्ज़ाम्पल ॾिना, युधिष्ठिर महाराज भक्त न हुयो छो, भक्त त छॾियो, साक्षात भॻवान बि पंहिंजे पिता जे श्राद्ध कयो आहे। ऐं हिकिड़ो ॾाढो सुहिणो दृष्टांत आहे, हिकिड़ो गुजरात में हिकिड़ो भक्त, गुजरात सौराट में हिकिड़ो भक्त जंहिंजो नालो हुयो नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता जे श्राद्ध जे बारे में ख़बर अथव तव्हां, उन पंहिंजे पिताजी जो श्राद्ध कहिड़ो कयो, अहिड़ो आलीशान श्राद्ध दुनिया में ॿियो कंहिं बि न कयो हूंदो। छा थियो, नरसिंह मेहता जो हिकिड़ो भाउ हुयो वॾो, नरसिंह त वीचारो भॻवान जो भॼन कंदो हुयो, हुनखे ॿियो कुझु कमु ईंदो न हो, हर वक़्त बसि ख़ाली यादि कंदो हो भॻवान खे। ऐं हुनजो जेको पुट ॿियो वॾो भाउ हूंदो, सो हर साल पंहिंजे पिता जो श्राद्ध कंदो, सभिनि ब्राह्मण खे घुराईंदो हुयो। हिकु दफ़ा जहिड़ो थियो ऐं चयईं कहिड़े कम जो न आई, सॼो ॾींहुं बसि नाम जप कयईं थो पियो ऐं कुझु कमु सॼो पंहिंजे पिता जो श्राद्ध बि ख़ाली मूंखे करणो पवंदो, उहो हाणे तोखे करणो आहे, कुझु तो तूं बि करो। त चयईं हाणे हुनजे पास कुझु हो ई न, नर्सिंग में त छा हूंदो, ईंदो किथे भॼन वजन ॻाईंदो, कंहिं ॾिनो हथ में, त हिकु भॻत छा हूंदा आहिनि, कंहिं ॾिनो त वाह, न ॾिनो त वाह, मिलियो त खा न त पोइ उहो उपवास करे वठ। तॾहिं हुन छा कयो कि अन हुन चयो, ठीकु आहे अगरि तुंहिंजी इहा इच्छा आहे त हिन दफ़े श्राद्ध मां कंदसि पंहिंजे पिताजी जो। त श्राद्ध वारो ॾींहुं बि अची वियो ऐं हुन खां ॾिठई सुबुह जो उथियो, हुन नरसिंह मेहता जी पत्नी जेकी हुई हिन सां ॾाढी कावड़ कंदी हुनजे मथां, ऐं कावड़ सभिनि जो एक्सपीरियंस आहे। शास्त्र में लिखियो आहे पुरुष दो तरह से भॻत बनता आहे, अगरि तव्हांखे भक्त वञिणो आहे न, हुन जा ॿ तरीक़ा हुजनि। हिकिड़ी त ॾींहुं पत्नी मिले हुनखे, जेकी सॼो ॾींहुं जहिड़ो करे घर में सुख सां वेहण न ॾिए, पोइ वीचारो मंदर में वेही करे माला कंदो, मूंखे छा कंदो। ऐं हिकिड़ो ॿियो तरीक़ो कहिड़ो आहे, कहिड़ो आहे भई, भक्त पत्नी मिलंदी त भक्त थींदो न, सिंपल आहे, खेल अचो था। भक्त पत्नी हूंदी उहा पाण भक्त कंदी, भक्ति कंदी, नाम जप कंदी, सुबुह जो गीता पाठ कंदी ऐं भॻवान खे भोग लॻाईंदी, त तव्हांखे बि भक्त बणाए छॾंदी। त शुक्र करणु घुरिजे, ॾिंगी पत्नी बि मिलंदी तॾहिं बि भॻवान जो भक्त बणाए, विचोली न मिलणु घुरिजे, लेकिन विचोली हूंदी सा ख़ाली पाण बि मेकअप में फैशन में लॻी हूंदी, तव्हांखे बि बसि इहो कमु कराईंदी, कमु आयो कमु आयो, बि की तरह कमु अॼुकल्ह के पुरुष बे इस तरह से कूलों में घूमता है, इस तरह से बस खाली फरमाइशों वेचारो पूरी कंदो आ, चंदा ही वो बिल्कुल हम छा चीजे। लेकिन वो उन चेस के दिस तो जदे यहां जिम्मेदारी खड़ी आए ना कि पैसे पिता जो श्राद्ध करे हाँ मन कुछ खड़ी बैठी है, चाहिए माँ का थोड़ी जाने घी घुर्जे छाछा घुर्जे अट्टो चावल घी गुड़ दाल सब घुर्जे,
चई ठीक है कुछ सामान मां पंजो वठी दिए सो कुछ ता वठो भिक्षा वठी जा जो तनेई हुआ त बियो सब उन जो जमा करे वरतवा तुवन खाली घी वठी अस की पत्ती लोकर देसी की वठी प्रसाद बनाया आई ब्राह्मण के खारा तो वही इकड़े ब्राह्मण के चहेजे सिर्फ इकड़े ब्राह्मण के चहेजे अच्छे अच्छे तमा इतरो प्रसाद बनाए वड़नो तने हो जने बाहर यो नरसी मेहता तने ब्राह्मण उनन के डठो आई चया के ब्राह्मण ब्राह्मण अन सब मुझे पिताजी जो श्राद्ध आए ता असा के घर जो वो ब्राह्मण खिली गई न बेचारे वड़ पेंदे खादे लाए कुछ आए ना यो मुखे श्राप करेंगे नामो तो वो वही करे छा तो करे वही सजे गोठ जे सबन ब्राह्मण के आज जो श्राप भोजन जे को आए सो नरसी जे घर में सभी होते अच्छे मन जो ब लगे प्रसाद तैयार हो तो नरसी मेहता जो मां तो इकड़े के जो माने वो माई तो मुखे मारी सदी हुई ये तो भोजन का थोड़ा ही ना है पूछे ये ठाकुर आन जी तो जी मर्जी ब्राह्मण के किए छे न मां इकड़े के खराई न ता न छो ब्राह्मण के न तो जे सके तने साथियो हो पतिलो खड़ी करे हरिये जो नाम वड़ो आयो इकड़े दुकान ते आई उने के सही मुखे घी घुर्जे को किलो किलो त सही हां ई दिस दानेदार देसी घी सुगंधित ता वठो इकड़ो किलो किलो त सही बट मुझे पास पैसा नाही उधार ले ने जे दिस नरसी तू भगवान जो भगत आई तो के बुदा घी त सुठो बिल्कुल नंबर 1 ना है लेकिन रात त विछी किरी सोई दिस जे चाहिए त फ्रंट तो खेलिया बेची किरी ना हुई बस उन्हें न्याणो ना होयो ना ते करे सई हाने उन चुनन ना मां छाकन द भगवान के भोग लगाई द सई ब्राह्मण के खाराई द मिच्छी वरो की खाराई द ई न भूल जे वरी गोले गोले इतनी देर तक गोले के रोने की हाने ई संत है संत वेजर जो यो ही हाल है असा जे के ग्रस्त आयो ना असा जी जिम्मेदारी है के जे के शुद्ध भक्त आई संत आई उनन जी देखरेख असा के करनी है छाकाण तो हो तो भगवान जो नाम जप करना है भगवान जो प्रचार करना है इतने उतने घूमना है असा जी जिम्मेदारी है ना और कोई संत जे क्या उनन से कारण ही था जैसा भक्ति करे सकता ता सोचो संत ना होते जगत में तो जन्म होए संसार संत ना हो जन तो असा के घर में नाम जो सुमिरन न थिया संत ना हो जन तो असा करे भगवान जो नाम न वढवा संत ना हो जन तो असा जा बार सब अयाश बन जी वेना ते करे संतन जी जिज्ञान जरूरत के पूरो करण असंग रस्तन जो रिस्पांसिबिलिटी है तरे साथियो नरसी में त गोले गोले इकड़ो भगत तो भगवान जो उन के दिखाए वो भी घी बिकणा वाला हो चाहे से मैं पी जो श्राद है मुखे इकड़ो किलो घी गुर्जे ता मुखे दींदो जी हां ता भगत आयो मुझे घर मुझे दुकान ते आ मुझे धन भाग अच्छो यो पर मैं भी इकड़ी शर्त ते दींदस जी बुधाए केड़ी शर्त मोडे 65% ना जी तू का पैसा भुरिया के तू तो बस मां तुम जो भजन बुधन लाए तैयार तू मुके बस भजन बुधाए भगवान ने मोना अंत जी भगवा भगवान जी विषय में को भजन कीर्तन बुधा तो बस मां आनंद थी वेलस तू जितरो भी इकड़ो छो 1 किलो खणी वन डब्बो खणी वन पूरो मां तो के देण लाए तैयार है हां तने हाणे नरसी में तो बुधो तो मुखा भगवान भजन तो करयो तो ठरी पयो भक्त आधा घंटा एक घंटा दो घंटा
तीन घंटा टाइम गुजरियो ब लगे सभी ब्राह्मण अचण वारा हो भगवान को याद रखो जब आप भगवान का नाम लेते हो तो भगवान ये सोचते इसके हिस्से का काम मुझे ही करना है भगवान कृष्ण कह दो भक्त मुझे नाम में तमा भक्त जे काम में है ना हो मुझे नाम जब कर दो मुखे उन जो काम करो हाने उन जो काम भगवान के करो भगवान जो लक्ष्मी के देवी देवता भगवान के मिसी भगवान तू परेशान तू तो आनंद आए सच्चित आनंद विग्रह अरे तू अरे परेशान था चोट सु जाल मकलो था गी उठना है हरे कृष्ण लगल पैवा हाने उते श्राद्ध लाए सब ब्राह्मण इंदा मुख्य वरण बोलो ना हे दिस भक्त ज नहीं भगवान जो कम करना है ना तरे असदा ही लगना है जी प्रभु ये ना चाहो असा थकनो ना वे भगवान की सेवा में थक करना ही ना थी दिया चले ऐसा भगवान के विषय में गाना जो अवसर में नंदो है भगवान के नाम जो कीर्तन करण जो अवसर में नंदो है तरे असा के शक्ति उत्तम का मिल दिया है असा ने बेटा वर्ड असा की हिम्मत आए असा के अंदर का योग्यता है जो भगवान के विषय में गाना है वो तो भगवान पाण शक्ति दींदो है सख दींदो है जिको तमा के इते प्यारे बैठो है ना घर में कने बगड़ना पड़ता दे बैठा अरे घर में ता नोट कयो 15 मिनट के ऐसा पट्टा देना में ना सोफो गुर्जे टेक गुर्जे आई उन टाइम पे एसी गुर्जे रिलैक्स माहौल गुर्जे ना कोई बजे के नहीं अगर उन टाइम पे भी चलो थकी वहां ने बस तंग न करो आई ने इतनी देर सनी बक बक सुई का मदद आयो तेन च मतलब वो तो पावर ही दो आ बुद्धण लाए भी पावर ही दो आए बुद्धण लाए भी पावर ही दो आए भगवान परेशान कि छा कर हाने लक्ष्मी माता चयो ठीक है उनके भजन करण दियो हेलो पान था हेलो शादी करण है ना भगवान जो ठीक है पुतो जी हां ठीक है हला सब देवी देव दान भगवान तो वजन पिया सब देवी देवता पोया पोया खुदते वे सीधो सामो नरसी मेहता जी जा काथे वे सुबह हां ओ भगवान हां भगवान नरसी मेहता जो स्वरूप धारण करे उते आयो भगवान जो आए नरसी मेहता वांगर इते हे त कन टाइम टोपी पे उन डिठो ना फोटो वे तो विजी ने आयो उन के थोड़ी खबर हुई के भगवान सुबह का वयो एक किलो घी वठण ला सनी घी निकरियो हाणे ब्राह्मण अचण वाले हाणे मां के फटाफट रोटी बनाईदा तने भगवान जे को नरसी ने रूप मियो देवी तू फिकर न कर मां पनी टीम वठी आयो है प्रसाद दुआ बनाई दी जे ई सब छोड़ आयो जी भगत आई सब नु जान सेवा करना है तू हाणे माठ करी वे दिस खाली सब सब देवी देवता लक्ष्मी माता सब कुकिंग में लगी गया आई सब सामान भी खणी आया उन टाइम पे चार दर्शी मेहता जे घर में दामो जो प्रसाद बण्यो हो उन टाइम पे हर वर्ष है जकी ता के जो नाम अछे दाल राइस चावल चपाती पनीर टिक्का भुर्जी हर शे खीर हर शे बणायो के ने तने छा हर देवी देवता एकड़ी एकड़ी डिश बनाई बेजी आई उन का बोए सब एडो प्रसाद बना मिनट में देवताओं की थोड़ी ना कुकिंग करनी आओ तो जस्ट फोरन से बन जी लो सब जने फोरन था प्रसाद बन जी बयो तने ही हो तो नरसी नरसी में ता पाण बयो ब्राह्मण के उठन जेकी भी ब्राह्मण होया सब आए छकन पेनी खाई उन जी दानिक भी के अजवनी कर नरसी में ता दिखली करना सी तो सभी ब्राह्मण आया अच्छा जी जी पेर खणन का भी सुगंध भी है इतनी सुगंध देवताओं बनायो आ प्रसाद कोई अड़ी गाल थोड़ी आ कोई सुठो कोई शेफ हो तो सो भी बनाएंगे बन दो ना आज तो खुश होती है से हाने देवता एकदम खुशबू भी है से आई सब जे लाए इतना सुंदर आसन लगी लिया तरे नरसी में का बंजी पत्नी के चल तो प्रसाद रेडी है तो इन गोडाउन में थालियो खड़ी है से उन्हें भी ध्यान है जी गोडाउन केड़ो थालियो खेड़ियो असा जगह में ठिकर जी प्लेट ना हो जी नरसी में का खादो ने सभी ब्राह्मण ने सोने की थाली खड़ी करी दिमाग चट थी वे बस जाए सोने की थाली की तेज है प्लास्टिक की थाली में से तो कोई भी वजह नहीं भाई ना ने रो मतलब उन सब से रो भगवान हो यार भगवान ने चरण में पावर अंदर बनी तो वाकई में गोड़ा में सोने जो थाली रखी है सभी की सोने की थाली पड़ोसी वे आई बोए चाहे गटोगट चमचा गिलास आई कटोरियों सभी वर खड़ी अच्छी तरह सभी के प्रसाद दीजिए सभी के चार चार ब्राह्मण दिसी वायरा कि इतरो सोने तो सके मिल भी ना करे बास बर्तन इच्छा है ना कि को लॉटरी लगी आ छा है वो सभी ब्राह्मण के ना आना प्रसाद करे प्रसाद ये को ब्राह्मण खादो आए ना दामो जो उन्होंने नरसी मेहता जी पिताजी जो श्राद्ध खादो आए ना
उन्हें ब्राह्मण लाइफ में कदे न खाई डिठो लायर सी गाल अहड़ो भगवान के हथ जो भगवान पड़ोस रहे उन भगवान के जेके खारण से लाए त्रिलोकी जा सभी देवी देवता परेशान हुंदा आइन प्रेम से भोग लगा मेरे श्याम जी हंस हंस भोग लगा मेरे सब जाना आइन प्रेम सा ता के खार वो भगवान ने परोसे रहो है नरसी जे रूप में ता सोचे सबो ता छो स्वाद जो जेके ब्राह्मण हुंदा आइन उन के ब पेट हुंदा आइन वो लिखी लाए शास्त्र में एकड़ो पेट सण में दो एकड़ो स्पिरिट हुंदो ना सबन बना अज जो भी खादो आई मिटन बर्टेनियन जो एक्स्ट्रा खाई इतरो खादो जो हाने जने उठिया दे तो उठी न दे सकया पे वरी किरण दा पे हेट झुकी न दे सकया आई बोई बड़ी से आओ नरसी मेहता के ई बर्तन जे क्या है से असा धोई वनु जा से न न ई ताजा खणी वनो होय दे सा जे के बर्तन नहीं थे सब घणो लेकिन ये न मंजो अना ता सबन की नई नई धोती भी मिले सभी हैरान थिया पहले दाल के जो तो हे भाग्यवान वो जो कि नयो धोते में स्टॉक आंदो है ना वो सोने जी जे में तंदा सोने जी तार वाले जी की रोट धोती ना इसी सब पड़े वो बाहुरी थी वही सोने जी तार वाले धोती हूँ आई वरी वो एक खड़े हैं वो जी अरे वो जालिम चल रहा है जो कि सोने वाले जरिए वाली जो कि माँ साड़ी हुआ आंदो सभी ब्राह्मण के साड़ी भी दे रही पहनी पहनी जाले ला खड़ी हुए सब हैरान आखिर थी सारा हुआ वो तो ब्राह्मण डाढ़ा तृप्त थी करे संतुष्ट थी आसी सदै करे भया साक्षात भगवान आयो है नरसी मेहता के घर में श्राद्ध जो पहले पिता जो उन्हें जब भगवान यो भी तो सोचे सके तो नरसी मेहता तो मुझे भजन करे रहे वाय उनके श्राद्ध करने की जरूरत के लिए आए सोचे सके तो लेकिन भगवान असा के देखाना भले केतरा भी भगत थी मेरे मेरे पिता जो श्राद्ध जरूरी करनो है आई जे करे भगत सक्षम न थो जे जे करे उन जे पास इतरो फैसिलिटीज न तो भगवान पाण मुझे सहायता कंदो है तो वो श्राद्ध पूरो थियो नडो सुंदर इतिहास है वो जरे मैं आईया या कलयुग जी गाल बुधा रही है आई प्रैक्टिकल है बिल्कुल कोई मन करत स्टोरी असा के बुधायो न होयो असा के गुरु महाराज ने प्रभुपाद जी जवन था एज इट इज स्टॉप एज इट इज बुधायो जेको शास्त्र में मनोरंजन न करायो जेको शास्त्र में लिखल है वो बुधायो त जने समय ब्राह्मण हली वया तने नरसी में तो सोचो कि ये माई आने मुखा लगाना और सवाल कुछ हमें मैं छा बुलाई दस ते करे चैन की हाने इतना का खिसकन दौड़ जे हो गया काम अब तो जे दिन आया है उसी देवताओं की चैन तो तमा सभी पत्नी गली पकड़ो मैं भी पीछे आता हूँ जाल की चैन दिस भाग्यवान माँ डाडो थकी पयो आयो माँ दामोदर कुंड में थोड़ी स्नान करे अच्छा तो कोई पाण गाने तो न जो हने नी मेहनत कई भले स्नान करे जो पुछा छा थो सामान तो वो जो वो भगवान जैसे वया तो नरसी आया नरसी के तने उन टाइम तो झाक थी अरे छह लगी वया उन माई जो ब लगी तो भेड़ी अच जे मुख्य तो मारे छी अज आई कोई भी डप सांगी जो पति जो खड़ी करे वनन ता पे आई चवण लगा के मुखे क्षमा कजे मां वो भाई भगवान जो है क्षमा क्षमा छाजी करो पेरंत किरी तहां तक कमाल आयो अज तो तहां कमाल करे छजो अज जे को श्राद तहां पेंजे पिता जो इते कयो आहे संसार में लखा पेणी की कयो ही ना अरे उन सोचो शायद जैसे हम कोई काम नहीं करते तो कोई हमको टोकी कर जाता है ना तो उन जो शायद टोका ही मने जो मां खायो ही ना मां तक श्राद कयो ही ना तो भी उन की न पति देव तहां तो धन्य आयो भगवान साथ आए तमाम भगवान जी भक्ति करो ते करे दिसो आज भगवान असा ने केनी बुद्धि आ कोना के कुछ समझ में ना आयो जी सगड़ी गाल बुधाय के समझ में न तो जी मान तही आ आयो सो तू मरी दिसो भगवान जा भक्त भी होना है करे वो मेरी पूछना नहीं ते मां करवा हमें ई निमरत आए ना ता जी देखो ता से ता मां चिन निमरत जी की गाल आए मां कुछ कयो ही ना तो चाहिए बुधाई चे अच्छा मके बुधाई छा छा थे सब बुधाई तो सोने जो थालियों सोने जो सोने के तंदवार है ना धोतियों कटोरियों एडा भोजन एडा सब तो सही भाग्यवान तू धन्य है मां तो ते भगवान जो भजन करे रे बस आज जो ने तो दर्शन कयो है ना वो मान होयो वो तो साक्षात जगदीश और आयो मुझे पिता जो श्राद्ध कर रहा है
वो परमात्मा वैकुंठ में आयो हो अयो असन जे रूप में था एडो बड़ो उपकार करे तो ये शब्द असन जे लाइ सिर्फ माई इन करे बुधाय रही हूं इतिहास के असन जे लाइ श्राद्ध करण केतरो ज्यादा जरूरी है लेकिन हाँ प्रैक्टिकल पंज मिनट थोड़ा ध्यान कि वो तो उन्होंने कहो असा के करो है असा के प्रैक्टिकली जीवन में कि इन श्राद्ध के कम के करो है तो यह सभी का पैरी गाल बुधो कि असान जीवन में यो सब का वो अवसर होंद है पितर जो ऋण चुकाने जो जे माँ कि ऐसो असा केतरो कमाऊ केतरा धनी थी वनो अज असो असा दिल में जितो भी कमाईंदा धन एकत्रित करना केतरी भी फैसिलिटीज दिल शांत न होंगी है ना सुख न हों आनंद न हों उनो कारण अड़ो हों ताकि असे पितर जो ऋण न चुका है जेस तीन अस जीवित आयो तेस तीन अस श्राद्ध करो ये ना है कि चवंदा कुछ डीन का एतरे समय का श्राद्ध न जेस तीन जीवित आयो तेस तीन अस श्राद्ध करो है पितर जो श्राद्ध के द्वारा असा पैंजे पितर जो कर्जो नथा चुकाए सकूं जी मां तांके कर्जा गणाया कि माता पिता जा पितरन जा असांजा केतरा कर्जा आहिनि कर्जा नथा चुकाए सकूं पर उन्हनि खे प्रसन्न करे सकूं था उन्हनि खे प्रसन्न कंदासीं त असांखे उहे आसीस कंदा ऐं असांजे आसीस जॾहिं कंदा त असां सुखी थींदासीं त इहे जेके 15 ॾींहनि जो समय हूंदो आहे जेके पितृपक्ष चवंदा आहिनि पितर जो ऋण चुकाइण जो सभ खां सुंदर चांस हूंदो आहे इन में असांखे श्राद्ध करणो आहे ऐं कीअं करणो आहे केरु ॾियां असांजा पितर जहिड़ी जहिड़ी तिथीअ में उन्हनि जो ध्यानु थियो हूंदो आहे उन ई तिथीअ में इन्हनि 15 ॾींहनि में उन ई तिथीअ में कुझु न ब्राह्मणनि खे घुराए करे कुझु भक्तनि खे घुराए करे श्राद्ध करणो आहे ताकी उहे प्रसन्न थी सघनि उन्हनि खे प्रसन्न ऐं गरुड़ पुराण में इहो लिखियलु आहे जीअं तव्हां चवंदा भई उन टाइम ते जीअं भॻवानु भगवद गीता में चयो जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जनम मृतस्य जेके जनम थी जेके जेके पैदा थिया आहिनि उहे मरंदा आहिनि जेके मरंदा आहिनि उन्हनि जो जनम थी वेंदो आहे त उन्हनि खे मिलंदो कीअं इहो हा न जेको असां ॾेई रहिया आहियूं सो कीअं मिलंदो त शास्त्र में गरुड़ पुराण में इहो लिखियलु आहे कि पितृ जेके आहिनि उन्हनि जो मरण खां पोइ कोई बि जीव जेको आहे मरण खां पोइ डायरेक्ट पितृलोक में वेंदो आहे पितृलोक में उहो कुझु समय रहंदो आहे जेसि ताईं उनजो हिसाबु किताबु हाणे छा आहे सीन जीअं हिते हिकिड़ी ऑफिस आहे यमराज जी हिन साइड ते नर्क आहे स्वर्ग आहे ॿिया लोक आहिनि ऐं हिते पितृलोक आहे त यमराज जी जेको आहे सो हिसाबु किताबु कंदो आहे लाइन में सभई ईंदा आहिनि तेसि ताईं उहे पितृलोक में हूंदा आहिनि ऐं पितृलोक में खाइण पीअण जी क्या व्यवस्था न हूंदी आहे माना उते छाकाणि त अञा ताईं उन्हनि जो हिसाबु किताबु न थियो हूंदो आहे न त खाइण पीअण जी का व्यवस्था न हूंदी आहे उन्हनि खे खाधो न मिलियो हूंदो आहे उन्हनि खे जल न मिलंदो आहे छाकाणि त तेसि ताईं उन्हनि जो लिंक असां सां हूंदो आहे त असांजो कर्तव्य आहे कि उन्हनि खे खाधो ऐं जल जेको असां ॾींदा आहियूं न पूरो साल लाइ हिकिड़े ॾींहं में असां ॾींदा आहियूं उहो पूरे साल लाइ पंहिंजे पासे स्टॉक करे रखंदा आहियूं जेको हिकिड़े दफ़ा दामो खाराईंदा आहियूं न पंहिंजे ब्राह्मणनि खे उहो साल उहो कीअं थींदो तव्हां असांखे लॻंदो हिन प्रैक्टिकल जीवन में असांखे लॻंदो इहो संभव ई न आहे लेकिन असां ॾिसूं कॾहिं कोई अगरि असांखे पंहिंजे कंहिं बैंक में जेकॾहिं कुझु रक़म असां डिपोज़िट कयूं था पोइ कुझु रक़म असांखे मिलंदी आहे न हुन सां महीने महीने में कुझु मिलंदो आहे थोरो जंहिंसां छा थींदो आहे अगरि फी हुजे ॿारनि जी या उहो पैसा जमा कराईंदा लेकिन कुझु असांखे मिलंदो आहे त हुन हिसाब सां उनखे ख़र्च कंदासीं ईअं ई तरह सां थींदो आहे ऐं कंहिं माण्हू जेकॾहिं ईअं चवनि की भई असां हिते खारायूं हिकिड़े ब्राह्मण खे ऐं खाधो उहो मथे कीअं थो पहुची सघे पितृलोक में ज़ाहिर आहे बुद्धि जीव आहे बुद्धि असांजे पास सवाल करे सघूं था त उनजे लाइ श्री प्रभुपा जी हिकिड़ी एग्ज़ाम्पल ॾियनि था कि जेकॾहिं तव्हांजा माता पिता कंहिं फॉरेन कंट्री में वञनि था स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका में या किथे बि उते वञनि था भई हिकिड़ो हफ़्तो असां रहंदासीं खणी वञनि था भई 4 लख रुपया उते असांजो पूरा थींदा हफ़्ते में ऐं उते वञी करे उन्हनि जो उते जो माहौल उन्हनि खे वणे थो ऐं चवनि था की भई महीनो रहंदासीं पसंदि अची वियो शइ
महीनो रहंदासीं पंहिंजे पुट खे फोन कंदा, पुट मज़ो अची वियो हाणे कुझु समय और रहंदासीं, लेकिन असां जेके पैसा खणी आयासीं से ख़तमु थी विया, हाणे छा कर, पैसा मोकल, मनी ऑडर कर। त पुट छा कंदो आहे, हिते विझंदो आहे बैंक में, बैंक में डिपोज़िट कंदो आहे, हुते उहे एटीएम सां कढंदा आहिनि, थींदो आहे न कहिड़े ॿिए कंट्री में। जॾहिं असां हिन संसार जी जेकी गवर्नमेंट हूंदी आहे, हिन संसार जी अहिड़ी व्यवस्था थी सघे थी, छा भॻवान जी अहिड़ी व्यवस्था नथी थी सघे की असांखे ब्राह्मण खे हिते खाराइणो आहे, असांजे माता पिता खे हुते मिले? भॻवान जी व्यवस्था त केॾी स्ट्रॉन्ग आहे। तंहिं करे मां तव्हांखे ॿुधायां थी, मां शास्त्र जी ॻाल्हि ॿुधाए रही आहियां। शास्त्र में लिखियलु आहे की असांखे पितृ पक्ष में श्राद्ध ज़रूरु करणु घुरिजे। ऐं छा खाराइणु घुरिजे? जेको जेको असांजे माता पिता खे पसंदि हुयो, ईअं कॾहिं बि नॉनवेज वग़ैरह न खाराइजे। छाकाणि त श्राद्ध करण खां पहिरीं वैष्णव जेको भक्त घुराईंदा आहियूं, उन्हनि खे जेको बि असां खाराईंदाऊं, पहिरीं भॻवान खे ऑफर करणु घुरिजे। जेको बि खारायूं था, कोई बि वैष्णव, वैसे बि जेके भक्त हूंदा आहिनि, कॾहिं बि कोई शइ जेकी आहे ग्रहण नथा कनि जेसि ताईं उहा भॻवान खे अर्पण न थिए। तंहिं करे जेको बि बणियो आहे उन में थूम बसर न हुजणु घुरिजे, छाकाणि त थूम बसर भॻवान खे ऑफर न थींदो आहे। बिल्कुलु सतोगुणी भोजन हुजे, उन में जीअं नॉर्मली हूंदा आहिनि दाल चावल पूरी कचोरी या खीर जेकी हूंदा आहिनि, से सभु प्रसाद बनाए करे तुलसीअ जो पतो रखी करे ठाकुर जी खे भोॻ लॻाए पोइ हिकिड़े शुद्ध वैष्णव खे खाराइणु घुरिजे। त हिते हिकिड़ो क्वेश्चन उथे थो, भई हाणे अहिड़ा वैष्णव मिलनि किथे था जेके खाईंदा आहिनि भॻवान खे? शुद्ध वैष्णव जो लिखियलु आहे न त श्राद्ध साल में हिकु महीने थी हिकु बार थींदो आहे, हा न? ऐं उन में छा असां पंहिंजे पिता जी मुक्तीअ लाइ या उन जी संतुष्टीअ लाइ हिकिड़ो वैष्णव नथा ॻोल्हे सघूं? हिन संसार में कंहिंजी कमी न आहे। ऐं यादि रखो, असां केतिरे दफ़ा बीमार थिया हूंदासीं, असांजे माता पिता असांजे इलाज लाइ कॾहिं असांखे ॿिए शहर में वठी वेंदा आहिनि, किथे इलाज कराईंदा आहिनि। अॼु बि जेकॾहिं भॻवान न करे कंहिंजो ॿारु बीमार थींदो आहे, उनजे इलाज लाइ उहे किथे बि वेंदा आहिनि या न वेंदा आहिनि? हा न, केतिरो बि भले उन्हनि जे पास पैसो न बि हुजे, कर्ज़ो वठी करे बि इलाज कराईंदा आहिनि या न कराईंदा आहिनि? उन ई तरह सां जे माता पिता असांजे लाइ एतिरो कयो, छा उन्हनि जे लाइ असां हिकिड़ो वैष्णव नथा ॻोल्हे सघूं? ऐं मां तव्हांखे ॿुधायां, शीला प्रभुपाद जी संस्था में जेतिरा बि भक्त आहिनि जेके हरे कृष्ण महामंत्र जो उच्चारण कंदा आहिनि, जे हरे कृष्ण महामंत्र जी दीक्षा वरिती आहे, जे ब्राह्मण दीक्षा वरिती आहे, उहे प्योर शुद्ध वैष्णव आहिनि। त्रिकाल संध्या कंदा आहिनि, सोरहं माला जो जप कंदा आहिनि, पहिरीं भॻवान खे ऑफर कंदा आहिनि, सुबुह सवेर उथी करे मंगला कंदा आहिनि, संध्या कंदा आहिनि, पंहिंजे जीवन में सिर्फ़ु भॻवान जी भक्ति कंदा आहिनि। जेकॾहिं तव्हां अहिड़े के भक्त खे ॻोल्हे करे उनखे खाराईंदव त तव्हांजे माता पिता खे ज़रूरु मिलंदो। असांजे साथ वॾी प्रॉब्लम छा आहे ख़बर अथव? जातीअ में घणो ॾिसंदा आहियूं, भई ब्राह्मण जाति, पोइ भले उहो नॉनवेज खाइण वारो हुजे, भले शराब पीअण वारो हुजे, भले सुबुह जो 11-12 लॻे ताईं सुतल हुजे, लेकिन आहे त ब्राह्मण आहे न? न, भॻवान श्री कृष्ण भगवत गीता में चवनि था, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। इहे जेके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इहे जन्म सां न पर उन कर्मनि सां बणिया आहिनि। तंहिं करे जेकॾहिं ब्राह्मण ॻोल्हियो त उनजे कर्मनि सां ॻोल्हिजो, उनजे जन्म सां न ॻोल्हिजो। तंहिं करे असांखे हिकिड़े शुद्ध भक्त खे ॻोल्हे करे उनखे ज़रूरु पितृ जे ॾींहनि पितृ पक्ष में ज़रूरु श्राद्ध कराइणु घुरिजे। उन सां असांजा पितृ संतुष्ट थींदा आहिनि, असांखे आसीस कंदा आहिनि, ऐं इन सां असां पंहिंजे पितृ जे ऋण सां मुक्त थींदा आहियूं, ऐं भॻवत भक्ति करे मुक्ति बि प्राप्त करे सघूं था। तव्हां सभिनि जा लख थोरा जो एतिरो प्रेम सां ॿुधो अथव, कृपया मूंखे आसीस कयो त मां भॻवान जी भक्ति करे पंहिंजे जीवन खे सफल करे सघां। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
हरे राम हरे राम 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 हरे कलिवाधार हरे कृष्ण महामंत्र की कोई प्रेमी खिराद हवाले से या माता प्रियवाल का जो सत्संग संख्यो उनके बारे में पूछना चाहे तो वो तो अंदर में क्वेश्चन आए सवाल आए तो जरूर पूछो। माता एक लफ्ज जरूर पूछो माता का तो माता जी ने फरमाया शास्त्र अनुसार खिराद ब्राह्मण जी करायो केतरा ही असने प्रेमी आए शुद्ध ब्राह्मण डॉजन के करे वो न्याण के शिराद कराइन था छा वो शिराद नो सके वो परमात्मा शिराद न पहुंचन या जो असा अबाद जो मतलब बोतल है पित्र छाउन के वह शन मिलनी जी असाण को कराइन था वो मेहरबानी करे थोड़ो बुधाई और एक बो क्वेश्चन भी इनका गडोग है अस हरिद्वार में वही गया में वही करें उत पूजाऊँ कराए पैं पिने तो शिराद वो न कराऊँ तो सिर्फ असि फार्मी पूरा करना फ्रूट वगैरह कड़ी कर न्याणी के ब्राह्मण के ई इो असि सनातन में शुद्ध है या अस भुल या सही आहरबानी कर अथनी के बुधा जी अस प्रेमी या खबर पे इंद वक्त में असे कार्य मुताबिक एक अस क्वेश्चन क्या सही है। जय श्री पहले सवाल के शराब न्याणी के खाराए सको यो ब्राह्मण जो अधिकार है। वैसे तो चवंदा कि एक न्याणी सो ब्राह्मण के बराबर है लेकिन यो लिखल है शास्त्र में कि यो ब्राह्मण जो अधिकार है। एक ब्राह्मण जैसे असाजे घर इंदो है वो श्राद्ध खाने ला या असाजे उनके खाराइंदा आयो तो वो जो ब्राह्मण होंगे उनकी सेवा करण जो भी साधन अस लाभ मिलो है हूँ तो घा ही हाँ यो ब्राह्मण की सेवा वेवा जो हाँ यो रस्मी भी खत्म थी वही है। वैसे तो अस समय समय से गृहस्थी के साधुन के संतन के घर में घुरा कर प्रसाद खारण घुर्ज लेकिन आजकल ये थी नो तो यो कम अज कम उन्होंने लाए आए तो उन्होंने यो ई तो उन्होंने हक आए ब्राह्मण जी से पूरा साल जो नियम जो इंतजार करना कभी शादा असा प्रसाद वगैरह छोड़ो उन्होंने वैष्णव होंगे उनकी सिंपल सी प्रसाद होंगी है तो इन हक है उन्होंने दियण घुर्जे असि न्याण के घुराई भरण पेट दिए मतलब हमीर घर में वह तो कोशिश कजें ब्राह्मण जो अधिकार है तो उन्होंने दिखे जी मैं गोल्हण दुख्य ना साल में एक जो तक ब्राह्मण के घुरा कर कराची में केतरा सारा शुद्ध संत भक्त आए इतने भी होंगे घना कृष्ण भगवान जो शुद्ध भक्त आई ब्राह्मण हाँ जी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने ख्याल रखा ठीक है। और बो जो कि गया में जैसे अस तारींदा तद ही उनके बाद वो पूरा जो है प्रोसेस न करना कुछ फ्रूट वगैरह दई छा यो गलत ना है लेकिन जैकड़ अस उन साल में उन तिथि में एक सब का सुंदर मां याद आयो कि जैसे सब का सुंदर तरीके से माता पिता की मुक्ति कराने चाहूँ था उनको सब का बेस्ट तरीको कड़ो है वो तो भोजन खारण एक रूल है लेकिन जैसे श्रीमद भागवतम जो है वो साक्षी है कि जैसे अस वाकई में पैं माता पिता से सिंसियर आयो तो करो है उनके निमित्त श्रीमद भागवत सप्ताह करना घुर्ज श्रीमद भागवत जो सप्ताह कराने घुर्ज उतरे जितना भी मान श्रवण करना है उन्हें सभी जो लाभ ताने माता पिता के मिलते हैं। आई डेफिनेटली उन्हें माता पिता भले कितना भी अपराध किया हो जाए वो है डेफिनेटली भगवान के नाम में शास्त्र में लिखे है धुंधुकारी श्रीमद् भागवत में कितरो बड़ो अपराधी हो गौकरण उनके लिए भागवत सप्ताह कई उन ही टाइम से उन्होंने विमान आया लोग भगवान जो विमान आया उनके धाम में खड़ी हुई तेरे ठीक है जैसे फ्रूट वगैरह भी अगर ब्राह्मण के दूँ तो सुठो है लेकिन कोशिश करजे कि सुठे तरीके से आई तुम यो न सोचो कि मुझे पित्र तरी वह हाँ तो
रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जेस ताईं असां जिंदा आहियूं तेस ताईं ब्राह्मणनि खे खाराइण जो बि त लाभ मिलंदो उन्हनि पितरनि भले कहिड़ी जाइ ते जनम वठी चुका आहिनि सोचो हाणे ईअं सोचो असां जेके हिते वेठा आहियूं न सभु पितर आहियूं है न किथां त मोह आहियूं जेको पैदा थिया आहिनि अॼु असां हिते सभु जेके वेठा आहियूं न कंहिंजा न कंहिंजा पित्र आहियूं ऐं असांजे ॿारनि किथे न किथे शुद्ध ब्राह्मण खे भोजन खारायो आहे उनजी आसीस आहे जो असां हिते वेही करे भॻवान जी कथा ॿुधी रहिया आहियूं ब्राह्मण जॾहिं आसीस कंदो आहे तॾहिं असांखे भॻवान जी भक्ति करण जो अवसर मिलंदो आहे त इहो चुकणु न घुरिजे असांखे ब्राह्मणनि खे पंहिंजे पितरनि जे नाम मुक्तिअ जे लाइ उन्हनि ते कृपा करण लाइ ज़रूरु खाराइणु घुरिजे धन्यवाद कुझु समय पहिरीं नाम जो संकीर्तन कंदासीं अमित गंगाराम या ॿियो जो ब्रदर शकल आहे सभिनी जी शेवा कई अमित अमित भगत गंगाराम जेतिरी वॾी महिरबानी करे मंदर में सभिनी जी शेवा कई अमित गंगाराम शंकर गंगाराम